सो हेलो गाइस, तो स्वागत है सबका एनिमे टून यूट्यूब चैनल के अंदर। और गाइस भाई भाई भाई, आपका सबका एनिमे टून आप बैक हो चुका है वापस से एक न्यू वीडियो लेकर। तो गाइस चलो गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। और गाइस बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है, और इसमें कुछ एक सरप्राइज पार्ट भी है जो भाई। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो हम बिना किसी देरी से। और उससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, थैंक यू हर चीज़ के लिए। तो गाइज़ अब चलो वीडियो का हम स्टार्ट कर लेता हूँ। तो गाइज़ हम स्टार्टिंग में, अब ये स्टोरी का नाम है गाइज एंडलेस लव। मतलब एंडलेस लव का मतलब तो जानते ही होंगे, प्यार अमर है भाई। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और चलो भाई वीडियो स्टार्ट करो, चलो भाई करते हैं। तो भाई वीडियो स्टार्ट हम देखते हैं कि स्टोरी के स्टार्टिंग में कि हमारा जो मित्सो रहता है वो पाको के साथ बतिया रहे रहता है, मतलब बात कर रहा होता है, बोल रहता है पाको आज का ड्यूटी का दिन बहुत टाइटली गया, काफ़ी ज़्यादा हमें मेहनत करना पड़ा अपनी ड्यूटी के लिए, और बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत कुछ हुआ। तभी पाको बोलती है कि हाँ पर मैं एकदम सही कह रहे हो तुम, हमारा ड्यूटी बहुत टाइटली गया, बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली गया, और मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइटली गया। तभी हमारे परमैन पाको मतलब सॉरी गाइस, तो तभी हमारे पाको बोलती है कि सही कह रहे हो तुम। तभी परमैन और पाको उसके बाद घर चले जाते हैं, पाको बाय बाय करके चली जाती है। अब गाइस उस रात होता क्या है कि मित्सो जब घर जाता है तो तभी मित्सो के पापा, मित्सो के मम्मी सब लोग डिनर का प्लान बनाए रहते हैं कि आज डिनर है, आज एक डिनर में हम बाहर निकलते हैं और बाहर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और वो मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा वो डिनर में। तभी गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा वो डिनर खा के। तभी पाक जो हमारी परमैन रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्या डिनर, अरे भाई मुझे मज़ा आ जाता है डिनर खा के यार, आज फाइनली हम बाहर जाएंगे। तो गाइज उसके बाद बाहर जाने का प्लान बन रहा होता है, कि बाहर लोग जा रहे होते हैं तो मित्सो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और मित्सो को मित्सो को नहीं पता है सुमेरे ही पाको है। तो गाइज जब मित्सो बाहर जब गाड़ी में पाको पाप उसके मित्सो के पापा गाड़ी चला रहे रहते हैं, बहुत ज़्यादा सब खुशियाँ का माहौल था गाइज। तभी परमैन देखता है कि अरे ये तो पाको है, मतलब गाइज उसके बगल में गाइज मतलब वो विंडो से परमैन देखता है कि पाको उड़ रही है हवे में, और पाको मतलब अपना घर जा रही थी, और गाइज पाको अपना घर जा रही होती है, लेकिन पाको को बिल्कुल नहीं पता है कि परमैन उसके नीचे जो गाड़ी चल रही है नीचे रोड पर वो परमैन की, और परमैन उसमें देख रहा है उसे। तो पाको वो और गाइस तभी गाइस पाको थोड़ा सा मतलब गाड़ी गाइस रुक जाती है क्योंकि गाड़ी उसके पापा बोलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं उसके बाद आगे निकलेंगे। मतलब गाइस काफ़ी फनी बात था क्योंकि नाश्ता वास्ता मतलब डिनर तो करने जाने ही है, लेकिन बीच में गांको को पानी प्यास लगा हुआ, तो गांको बोलती है पापा को थोड़ा सा पापा गाड़ी रोक दीजिए मुझे पानी पी लेते हैं। तभी गाइस थोड़ा सा जो होटल जा रहे थे वो लोग जहाँ पे डिनर करने वो काफ़ी दूर था। तभी गाइस हमारा जो मित्सो जो हमारा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आता है। तभी गाइस गाड़ी रुकती है पानी लेने के लिए, और गाइस पानी लेने के लिए जब रुकती है गाइस, हाँ गाइस पानी लेने के लिए जब रुकती है गाड़ी, तो गाइस वीडियो कंटिन्यू से पहले मैं बोल दूं कि मिस्टर परमैन स्क्वाड का चैनल पहला डिलीट हो गया है। तो गाइस जाके उनका न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैंने लिंक इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया है। और ये परमैन को सपोर्ट करना नहीं छोड़े यार, तो जाके यार सपोर्ट करो भाई को यार, सपोर्ट करो यार कर दो सपोर्ट करो अपने भाई को। तो लेट्स कंटिन्यू दिस स्टोरी यार, सपोर्ट करो भाई को और लेट्स कंटिन्यू दिस स्टोरी। तभी गाइस हमारा जो हमारी गाड़ी रुकने के बाद, तभी गाइस हमारा पानी का प्यास लगा हुआ तो प्यास में लोग जाते हैं। तो गाइस वो लोग प्यास में जाते हैं, तभी हमारे परमैन जो रहता है वो मतलब पाको को ऊपर से देख रहा होता, उसको लग रहा था जी अब गाड़ी तो रुक चुकी है, अब मैं पाको को अच्छे से नहीं देख पाऊँगा। पता नहीं परमैन को पाको को देखने का बहुत मन कर रहा था ऊपर से, तभी गाइस वो देखता ही जा रहा था। तभी गाइस पाको भी जहाँ पे गाड़ी जब रुकती है तो पाको भी रुक जाती है ऊपर, वो आसमान में उड़ रही थी गाइस पाको, हाँ गाइस इतना बता दूँ, तो वो भी रुक जाती है। उसको लगता है यार बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, हेलमेट पहनी हूँ हेलमेट निकाल देती हूँ, ऐसे भी ऊपर आसमान में कौन ही देखेगा। तो वो परमैन देखता है अरे तो हेलमेट की तरफ, और परमैन नीचे गाड़ी पे बैठा हुआ था तो ये तो देखता है अरे ये तो नीचे की तरफ है,
ये तो हेलमेट निकालने जा रही है और मैं देख सकता हूँ, मैं तो ऊपर से देखूंगा। तभी गाइस थोड़ा पाको के बाद थोड़ा सा भी केयरफुली नहीं थी पाको, क्योंकि वो नीचे तक नहीं देखी, उसको नीचे तो देखी लेकिन उनको उसको नीचे से एक गाड़ी बस दिखाई दे रही थी, लेकिन उसको क्या पता उस गाड़ी में कौन बैठा हुआ, हमारा हीरो मित्सो बैठा हुआ है। तभी गाइस पाको अपना हेलमेट निकालने ही जा रही रहती है, तभी गाइस परमन जोर से तूफान आता है, उसी टाइम गाइस तूफान आता है और परमन देख नहीं पाता, परमन की आंखों में धूल लग जाता है तूफान की वजह से, और पाको तो निकाल देती है लेकिन परमैन की आंखों में गाइस धूल लग जाता है और वो धूल परमैन को बहुत ज़्यादा मतलब भारी पड़ता है। कि परमैन बोलता है अरे यार धूल लग गया यार, ये क्या ही हो गया यार, क्या ही होता रहता है यार, क्या ही वक्त है। तो गाइस उसके बाद गाइस बहुत ज़्यादा गाइस अब होता क्या है, उसके बाद हमारा जो पर पाको रहता है, वो पाको रहती है जो वो ऊपर देख रही होती है, वो बहुत ज़्यादा मतलब बोलती है उफ ये इतने जोर से तूफान आया। तो भी गाइस पाको अपना हेलमेट पहन लेती है गाइस, तभी तूफान के बाद हेलमेट पहन लेती है, लेकिन परमैन को आँखों में धूल लग चुका था, परमैन को आँखों में धूल लग चुका था। तो गाइस उसके बाद होता क्या है, अब जो हमारी जो पाको है गाइस वो मतलब वो बोलती है अब चलो घर चलते हैं। तभी गाइस वो मतलब परमैन मतलब वो लड़के वो पाको का अपना रियल चेहरा देखने ही वाला था। तभी गाइस पाको घर आती है और गाइस पाको गाइस घर आती है तो सुमेर की रोबोट जो रहती है वो बोलती है तो आज मैनेजर से कॉल कर लो क्योंकि आज तुम्हें बहुत मतलब हमें तुम्हारा कल कॉन्सर्ट है। तभी पाको बोलती है हाँ मैं जा रही हूँ कॉल करने। तो गाइस अब किस्मत की बात ये थी कि जो है हमारा कॉल जब पाको अपने मोबाइल से लगाने जा रही होती है, मोबाइल पे जब नंबर डायल कर रही होती है तो वो नंबर मैनेजर का नहीं गाइस, मतलब देखो गाइस मैनेजर का नंबर नहीं रहता है, वो गलती से मित्सो का नंबर डायल कर देती है। अब गाइस मित्सो का नंबर पाको को नहीं पता था, पाको तो बैच से बात करती है ना मित्सो से, लेकिन गाइस गलती से मित्सो के पापा का नंबर डायल लग जाता है गलती से गाइस। तो पापा उसके मित्सो के पापा कॉल उठाते हैं, तभी बोलता है तो उसके पापा बोलता है हेलो कौन बोल कर रहा है, तभी वो मैंने वो सुमेरे बोलती है मैनेजर कब लड़का बन गई तो सुमेरे बोलती है तभी मित्सो, तभी गाइस सबसे किस्मत की बात है, तभी उसके पापा मित्सो को कॉल पे उसका मित्सो को मोबाइल थमा देते उसके हाथ में, बोलते अभी मैं गांको का पानी खरीद रहा हूँ, गांको का पानी अभी मैं बाई कर रहा हूँ, तब तक तुम बात करो, कोई काम वाम का कुछ होगा तो मुझे बताना। तभी मित्सो बात करता है हेलो कौन बात कर रहे हैं, तभी वो मित्सो तभी पाको बोलती है ये आवाज़ कोई सुनी सुनी सी लग रही है। तभी मित्सो बोलता है ये आवाज़ की सुनी सुनी सी लग रही है, कौन हो मैडम जी। तभी सुमेरे बोलती है कि तुम कौन हो भाई साहब, तभी दोनों मतलब ऐसे बात कर रहे होते हैं। तभी मित्सो बोलता है मैं मेरा नाम, तो गाइज अपना नाम वो बता नहीं जाता है। तभी गाइज वो मतलब जोर से वापस से तूफान आ जाता है, उसे मित्सो के आँख वापस से मुँह पे धूल लग जाता है उसके मुँह पे आँखों में। तो मित्सो बोलता है गलती से गाइज अब गाइज गलती में मित्सो से, अब मित्सो के नाम जगह उसने कोई और ही नाम बोल दिया, मतलब गलती से धूल लगने के बाद वो जल्दबाजी में कुछ और ही नाम बक दिया उसने, उसने बका भी क्या बताएं गाइज, उसने बका कि मेरा नाम मित्सू है, मित्सू देखो गाइस मित्सुआ नाम देखो मित्सू बोलता है मित्सू, बस मित्सू तक रुक जाता है गाइस, मित्सुओ पूरा नहीं बोलता है, सुओ नहीं बोलता है लास्ट में, बस मित्सू बोलता है। तो पाको बोलती है मित्सू ये ठीक है आप कौन है, तभी परमन बोलता है, तभी गाइस कॉल कट जाता है गाइस, तभी गाइस कॉल कट जाता है, मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, पाको को लग रहा था ये मित्सू नाम का कोई लड़का कॉल किया था बट मित्स धूल के वजह से मित्सो पूरा नाम नहीं बोल पाया, मित्सुओ नाम नहीं बोल पाया वो, बस मित्सो बोल देता है। तो गाइस तभी जो हमारा मित्सो है वो बोलता है अरे यार मैंने इस मैडम जी को तो मैंने अपन पूरा नाम बताया ही नहीं, अरे यार ये क्या ही चलता रहता है यार, मैं क्या ही करूँ यार, मेरे क्या ही है ये, क्या ही चल रहा है यार। तो भी गाइस उसके बाद मित्सो जो रहता है पाको पापा बोलते हैं ठीक हो ना चलो गांको का वो पानी जो उसको प्यास लगा होता है खरीदा देते हैं बोतल पानी की, और वो लोग गाड़ी में बैठकर डिनर करके आ जाते हैं गाइस। तभी गाइस लेकिन मित्सो मतलब क्या करता है कि मित्सो को अपने पापा का मोबाइल रख लेता है अपने पास, पापा को देता नहीं है क्योंकि वो घर जाता है, तो अपने पापा के मोबाइल से गाइस वो मतलब गाइस कॉल करते हैं, मतलब गाइस अब इतना बता दूँ दोनों के पास स्क्रीन टच मोबाइल था ठीक है ना, स्क्रीन टच मोबाइल था तो एंड्रॉयड मोबाइल था ठीक है ना,
तो गाइस मतलब उसके पापा के पास था, सुमेरे के पास तो उसके मतलब सुमेरे के पास तो रहेगा स्क्रीन टच मोबाइल, लेकिन मित्सो के पापा के पास स्क्रीन टच था। तो गाइस मित्सो अपने पापा का मोबाइल छुपके तो छुपा लेता है, और मित्सो पापा को कुछ याद नहीं रहता मित्सो को, मित्सो अपना मोबाइल उनका मोबाइल किधर है पापा का। तो अब गाइस मित्सो अपने घर जाता है, और घर जाके सीधा उस लड़की से गाइस जो जिससे बात किया होता है, तो वो मित्सो जाता है और वो घर पे जो हमारा परमन रहता है वो जाता है घर पर, और घर पर सीधा गाइस वो कॉल लगाता है, गाइस सीधा गाइस कॉल लगाता है उसी लड़की को अपना नाम पूरा बताने के लिए। तभी गाइस वो सुमेरे बोलती है, अरे ये तो वही लड़के का कॉल आ रहा है, मित्सो मित्सो नाम का कोई लड़का है। तो वो बात करती है, हेलो। अभी मित्सो बोलता है कि अरे मैंने आपको नाम कुछ गलत बताया है। तभी गाइस सुमेरे बोलती है, तो तुम्हारा नाम गलत बताया? नहीं नहीं तुमने सही नाम बताया, मित्सो ही तुमने उस समय बोला था। तभी मित्सो बोलता है, अरे मैंने कुछ और ही बताया है। तभी गाइस सुमेरे बोलती है कि अरे यार इसका नाम, सुमेरे मन में सोचती है अरे वो तो बस मुझसे बात करना चाहता होगा इसलिए ऐसा कर रहा है, उसका नाम मित्सो है। तो सुमेरे को नहीं पता गाइस, अब सुमेरे को लग रहा था अब जो लड़का जो नाम बताएगा ना वो झूठ बताएगा, पहले जो नाम बताया था मित्सो वो राइट होगा। लेकिन गाइस उल्टा है, पहले गलत बता दिया था मित्सो ने, अब राइट बताने वाला है। लेकिन गाइस अभी भी जब बताने जाता है ना, तभी गाइस जोर से उस समय तूफान आ जाता है। ये तूफान की अलग ही प्रॉब्लम है गाइस, तूफान ओपी भाई, तूफान भाई, तूफान आ जाता है, वापस उसको धूल में लग जाता है। अब गाइस अब वो तूफान गाइस किस्मत की बात है, वो मित्सो के घर हमेशा मित्सो के पास ही आ रहे तूफान, और कहीं तूफान नहीं आ रहा, बस मित्सो के पास ही आ जा रहा है। वो गाइस कैसे हो रहा है, वो मिरेकल है, मिरेकल। तो गाइस उसके बाद मित्सो अरे तो मित्सो वापस से गाइस वही नाम बोल देता है, मित्सो वही नाम बोल देता है जो पहले बोला था। तभी वो सुमेरे बोलती है, अरे तुमने तो पहले भी यही नाम बताया था। तभी मित्सो बोलता है, छोड़ो ना कोई भी नाम जाने, ऐसे भी मेरे कोई जान पहचान की तो थी नहीं। तब मित्सो अपने मन में ये सोचता है, तो छोड़ो अपना रियल नाम बताने से क्या फ़ायदा होगा। तभी सुमेरे वो बोलती है, ऐसे भी तुम करते क्या हो? तभी मित्सो बताता है कि मैं स्कूल हूँ, स्कूल में पढ़ता हूँ। और तो सुमेरे बोलती है, अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बात है, और तुम मुझसे मिलोगे? सुमेरे बोलती है तुम मुझसे मिलोगे? अब गाइस तुम मुझसे मिलोगे पूछो क्यों? क्योंकि सुमेरे को शक था गाइस, सुमेरे को शक था क्योंकि ये लड़का मैंने कहीं जाना पहचाना है। और सुमेरे को ऐसा लग रहा था कि ये लड़का, जब वो सुमेरे जब भी इस लड़के से अभी दो बार बात की थी, तो उसे ऐसा लग रहा था ये लड़का मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मतलब हमारा मित्सो गाइस। तो तभी वो उससे मिलना चाहते, उसे कुछ शक था गाइस, उससे थोड़ा सा हैर, थोड़ा सा भी मिलना, उसे लगता था ये लड़का मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दो बार उसने बात की तो। तभी मित्सो को भी लगता था ये लड़की मेरे लिए, मतलब गाइस मित्सो इतना उतावला क्यों हो रहा था, अपने पापा का मोबाइल क्यों छुपाया उसने, क्योंकि उसे लग रहा था लड़की कुछ तो है मेरे लिए, कुछ तो दिल में है। तभी गाइस उसने कॉल लगाया वापस से अपना रियल नाम बताने के लिए। तभी गाइस वो दोनों एक दूसरे से कल बोलते हैं, कल हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तभी गाइस जो हमारी परमन और पाको रहते हैं, अब गाइस सुबह, अब गाइस वो लोग प्लान बनाए थे कि परमन बोला था कि हम लोग शाम 6:30 बजे मिलेंगे। पाको बोलती है, हाँ बहुत बढ़िया बात है, शाम 6:30 बजे मिलेंगे, मज़ा आ जाएगा मिलकर। तभी जब ही गाइस सुमेरे की रोबोट तब कॉल कट जाता है, गाइस मित्सो आराम की नींद सोने चला जाता है। तभी गाइस सुमेरे की रोबोट आती है, बोलते हैं तुम इससे, ये मित्सो कौन है जो तुम इससे बात कर रही हो? एकदम मित्सो और मित्सो एकदम, तभी एकदम मित्सो और मित्सो एकदम नाम सेम लग रहा है। तभी सुमेरे बताती है, पता नहीं मैं इस लड़के से बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी सुमेरे की रोबोट बताती, तुम तो मित्सो से प्यार करती हो ना? तभी सुमेरे बताती, हाँ लेकिन यही ऐसा लड़का है, ऐसा लग रहा है कि यही मित्सो है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम दोनों का मतलब जितना मैं फील मित्सो के लिए करती हूँ जब मैं इस लड़के से बात की गाइस, मैं उतना ही फील मैं इससे भी करती हूँ। तो अब गाइस आपको तो पता है ना, दोनों लड़का मित्सो तो दोनों मित्सो और मित्सो ही है वो लड़का जिससे वो बात कर रही है। सुमेरे को अभी नहीं पता, लेकिन सुमेरे बोल रही है सेम मित्सो जैसा मुझे फील हो रहा है जब भी मैं मिलती हूँ बस कॉल ही पर। तो एक बार सुमेरे मिलना चाहती, क्या पता वो मित्सो, तो सुमेरे को शक था एक तरीके से। तभी गाइस अगले दिन सुबह परमन ड्यूटी में, जब हमारा परमन थोड़ा सा ऐसी परमन ड्यूटी के लिए निकलता है, हमारी पाको भी निकलती है। तभी परमन बोलता है, आज मैं 6:30 बजे नहीं आ पाऊँगा। तभी पाको बोलती, क्या 6:30 बजे? तब पाको बोलती है ये पक्का है मित्सो तो नहीं? तभी सुमेरे पाको बोलती है, क्या काम है? तभी हमारा परमन बोलता है, तभी हमारा परमन सोचता है कि
मुझे ऐसा क्यों, बर्मन अपने मनी में उस समय सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये यही है। मुझे ऐसा लगा जब भी अभी मैं पाको से मिला और उस समय उसके लड़की से कॉल पे बात किया, दोनों का फीलिंग मुझे एक ही लग रहा है। तभी तो भी बर्मन बोलता है पता नहीं कुछ काम है मेरे को, डिनर के लिए निकलना है। तो पाको बोलते हैं ओह, तो उसके बाद ओ बोल गया, उसके बाद दोनों चले जाते हैं। अब गाइस 6:30 बज जाती है, दोनों गार्डन में मिलने आते हैं गाइस। तो गाइस दोनों जब गार्डन में मिलने आते हैं तो देखते हैं कि एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं गाइस वो भी लाइव, तो पाको अब गाइस सुमेरे पाको अपना परमन से मतलब सुमेरे अपना पाको सेट पहन के आई हुई थी और परमन हमारा मित्सु बन के आया था, वो बिना परमन सेट का था। तो भी गाइस दोनों एक दूसरे को सामने सामने देख लेते हैं और तभी परमन बोलता है कि वो तुम हो पाको। तभी पाको बोलती है अच्छा वो तुम हो। तो पाको बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन परमन भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नर्वस था, परमन को थोड़ा शर्मिला था। तभी गाइस परमन पाको बोलती है अच्छा वो तुम हो। तभी पाको बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ परमन। तभी परमन बोलता है रुक जाओ। तभी पाको बोलती है क्या हुआ परमन। तो परमन बोलता है I love you so much पाको, अपने दिल की बात एक्सप्रेस मैं तुमसे नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आज मैं दिल खोल के एक्सप्रेस करूँगा। आई लव यू पाको, बस दिल तुम्हें ही चाहता है, हमेशा तुम्हें ही चाहता रहेगा। मरेंगे भी तो साथ मरेंगे, जिएंगे भी तो साथ जिएंगे, हंसेंगे भी तो हंसेंगे साथ। हमारी प्यार ही कहानी अलग है, हमारा ही प्यार ही अलग है, अमर है प्यार, अमर है प्यार। तो गाइस ये चीज़ बोलता है हमारा मित्सु सुवा। सुमेरे जोर से गाइस हक कर लेती है हमारी सुमेरे को, मतलब सॉरी सुमेरे अपने जोर से हक कर लेती है। और तभी जब सुमेरे हक करने जाती है परमन को, तो परमन को वो गले से दिल से एकदम जोर से गले लगा लेती है परमन को। और सीधा गाइस जब वो गले एकदम लगाती है ना जोर से, तो गलती से गाइस सुमेरे का हेलमेट गिर जाता है, मतलब पाको का हेलमेट गिर जाता है। तभी परमन जोर से थोड़ा सा सुमेरे को आगे करता है और तुरंत उसका चेहरा देख लेता है। और गाइस चेहरा देखने के बाद परमन शॉक्ड हो जाता है, हो एम जी सुमेरे इस पाको। तभी गाइस मतलब एक तरीके से परमन भी ऐसे ही प्यार करने लगा था और दोनों और मतलब खुश हो जाते हैं, वाओ पाको तुम ही सुमेरे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है पाको 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 हो तुम, मतलब तुम ही सुमेरे हो पाको, मतलब मुझे अनबिलीवेबल है तुम ही पाको ही सुमेरे है, तुम ही पाको ही सुमेरे है। तभी गाइस उसके बाद होता क्या है कि अनबिलीवेबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लव मोमेंट हो गया था दोनों। परमन पाको को गले लगा लेता है, उसके बाद तुरंत परमन बोलता है मज़ा आ जाएगा। और गाइस तभी जो हमारा परमन बोलता है कि चलो, परमन तभी बोलता है कि चलो पाको आज मैं तुम्हें अपने पैसे का, मतलब मेरे पास पॉकेट मनी है कुछ, अपने पैसे का तुम्हें मैं पहली अपनी पॉकेट मनी का तुम्हें पहली बार मैं अपना आइसक्रीम खिलाऊंगा, आइसक्रीम। पाको बहुत ज़्यादा खुश रहती है, तुम मिल गए और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, बस तुम मिल गए तो ज़िंदगी हो गई ना सफल। तभी गाइस उसके बाद जो हमारी पाको रहती है वो परमन रहते दोनों साथ जाते हैं। अब थोड़ा सा मतलब अपना क्या गाइस तो वो जाते हैं गाइस, परमन और पाको दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाह रहे रहते हैं। तभी गाइस दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाह रहे रहते हैं। तभी सब कुछ होता है, क्योंकि हमारा जो परमन जब जा रहा होता है, जो पाको रहती है पीछे से, वो बहुत ज़्यादा मोमेंट पे था, क्योंकि गाइस जो हमारी परमन जब जा रहा होता है, पाको भी साथ रहती है गाइस, साथ रहते हैं दोनों, साथ रहते हैं। और दोनों परमन पाको का हाथ पकड़ा हुआ था, पाको परमन का हाथ पकड़ी हुई थी, दोनों बाहों में एकदम गले लगाए थे। उसके बाद गाइस अब क्या होता है, अब सीधा गाइस जाते हैं परमन और पाको जब हाथ पकड़े होते, मतलब गाइस उसके बाद गाइस दोनों आइसक्रीम खाने जा रहे होते हैं। तभी गाइस परमन बहुत ज़्यादा खुश रहता है और हमारा पाको भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है।
तभी गाइस आगे से एक 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 कोई आता है और सीधा परमैन और पाको को गोली मारता है जोर से सुमेरे और मित्स। अब पाको बिना हेलमेट की थी क्योंकि परमैन ने बोला था अब तुम बिना हेलमेट का चलो मेरे साथ परमैन। तो परमैन और पाको को जोर से गोली मारता है गाइस, परमैन और पाको को जोर से गोली मारता है और लेकिन गाइस परमैन और पाको को तो गोली मारता है लेकिन गाइस पाको मतलब परमैन को तो थोड़ा सा गोली लगता है लेकिन हमारी जो पाको है वो और आगे आ जाती है थोड़ा, वो देख लेती है कोई गोली मारा है, कोई मारने वाला है तभी पाको आ जाती है आगे और पाको को गोली लग जाता है। मतलब दोनों गाइस आइसक्रीम खाने दोनों जा रहे होते हैं, दोनों का नज़र एक दूसरे के आँखों में ही था तभी गाइस कोई आगे से आता है और गोली मार देता है लेकिन पाको तभी देख लेते हैं और तभी पाको थोड़ा परमैन के आगे आ जाती है गाइस पर पाको को गोली लग जाता है गाइस और परमैन को थोड़ा सा लगता है गाइस थोड़ा सा मतलब पाको को परमैन का हाथ में लगता है लेकिन पाको के गाइस सीधा गाइस मतलब पाको को ज़्यादा लगता है क्योंकि पाको को सर पे लगता है डायरेक्ट गाइस सर पे। अब होता क्या है कि दोनों को गोली लग चुकी है, परमैन भी गिर चुका है, आंखें बंद हो चुकी है अब पाको की भी। तभी वो जो आदमी को जो गोली जो मतलब तभी गाइस वो लड़की क्या लड़का वो दोनों में कोई एक है तो वो कोई रहते हैं वो भाग जाते हैं कोई लड़का। अब गाइस आपको पता है ये लड़का होगी क्या कोई लड़की होगी, आपको क्या ही लगता है ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और दूसरी बात वो भाग जाते हैं वरना भाग जाती है कोई लड़का होगी कि लड़की वो तो सरप्राइज रहेगा। तभी गाइस हमारे लोग आ जाते हैं वहाँ पर जमा हो जाते हैं और सीधा वो हमसे हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए डाल देते हैं गाइस उसके बाद डालने के बाद गाइस उसके फैमिली वाले आते हैं सुमेरे के और पाको के मतलब सुमेरे के और परमैन के। और तभी हमारे हॉस्पिटल में जो हमारे वो बोलते हैं कि डॉक्टर आते हैं बोलते हैं कि सॉरी हम आपके सुमेरे को हम सुमेरे को नहीं बचा पाए हमें माफ़ कर देना तभी गाइस उसके बाद परमैन का होश आ जाता है मतलब परमैन ठीक रहता है। तभी परमैन बोलता है कैसे हो सुमेरे किधर है सॉरी हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया मम्मी पापा। तभी पापा मम्मी बोलते हैं सुमेरे की मम्मी बोलती है मेरी बेटी नहीं रही। तभी परमैन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। तभी परमैन बोलता है परमैन सीधा उठ जाता है गाइस और परमैन मतलब बोलता है सुमेरे किधर हो। तभी बोलती है तभी सुमेरे लेट ही रहते गाइस और सुमेरे के पास परमैन आता है और परमैन बोलता है सुमेरे उठो तुम्हें हमारे प्यार के लिए उठना होगा सुमेरे हमारे वादा के लिए उठो। तभी गाइस हमारा जो परमैन रहता है वो बहुत ज़्यादा ही रोते हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है और वही जो आदमी सुमेरे को मारा हुआ था वही आदमी जोर से तेज में गाड़ी लेकर आता है और वो मित्सो को भी उड़ा देता है उसी वक्त क्योंकि मित्सो को गाइस पता तक नहीं चला। गाइस मित्सो रोते रोते हमारा चला जाता है हॉस्पिटल के बाहर और हॉस्पिटल के जब बाहर जाने के बाद हमारा मित्सो रो रहा होता है रोड के बीच में और तभी गाइस वही आदमी जो होता है जो सुमेरे को मारा रहता है उस समय गोली चलाया रहता है वो आदमी क्या वो लड़की तो वो आपको गेस करना होगा। और तभी गाइस वो आती है क्या आता है वो गाड़ी लेकर और सीधा मित्सो को उड़ा देता है और मित्सो भी इस दुनिया में नहीं रहा हमारा परमैन। और गाइस यहाँ से हमारा मतलब एक तरीके से मूवमेंट पॉइंट पे आ जाता है। उसके बाद गाइस हमारा पूरे तरीके से अब सस्पेंस पूरा खुल चुका है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अब पूरे तरीके से पूरे जगह मतलब हल्ला मच चुका है। इसके मित्सो के मम्मी को जब पता चलता है ये क्या हो गया मित्सो उठो तभी गाइस हमारा मित्सो भी नहीं रह पाया लेकिन गाइस जब मित्सो को एक्सीडेंट हुआ था जब मित्सो जोर से उड़ गया था उस गाड़ी से हवा में नीचे जोर से नीचे गिरा तभी गाइस वो तरीके से उस समय मित्सो हमारा डेड हो चुका था मित्सो। उसके बाद गाइस हमारी मित्सो मतलब अपनी गाइस अब वो पूरे तरीके से मित्सो मर चुका है तभी गाइस और उसके कुछ देर बाद मम्मी पापा आए गाइस उसके कुछ देर बाद। तो उससे पहले गाइस सुमे
उसके जब उसका आग बंद हो चुका था तभी गाइस उसे सुमेरे ही आखिरे के वक्त पे दिखाई दे रही थी। सुमेरे आई, ऐसा उसको दिखाई दे रहा था कि सुमेरे आई है मेरे पास और मेरे पास आके मेरे को देख रही है और मेरे को सामने रो रही है। तो उसे कुछ इस तरह दिखाई दे रहा था वो सीन, और वो एक तरीके सपने के तौर पे जब वो मित्सो को जोर से एक्सीडेंट लगा और तब वो नीचे गिरा और आखिरी के कुछ सांसें में उसे ये दिखाई दे रहा था वो आ रही है और रोई है। लेकिन गाइस तब उसका भी आँख बंद हो जाता है, लेकिन गाइस एक तरीके से वो कुछ आखिरी सांस में वो सपना देखता है, कुछ आखिरी सांस में जब वो एक्सीडेंट में जब उड़ जाता है और जब जोर से ज़मीन पर गिरता है और उसका कुछ थोड़ा देर के लिए आँख खुला हुआ था तब ये सब देखता है। और तभी गाइस उसके मर जाता है, तभी उसके मम्मी पापा आते हैं मित्सो के और मित्सो को देखते हैं कि मित्सो नहीं ये कैसे हो गया। तभी गाइस अब गाइस यहाँ से बदल चुका है, तभी गाइस एक बुढ़िया आती है, गाइस एक बुढ़िया आंटी आती है और एक आती है कोई बुढ़िया, तो वो बुढ़िया बोलती है कि अब घबराइए मत, ये होना ही था क्योंकि ये दोनों का प्यार है, सुमेरे और परमैन का जो प्यार है वो। तभी गाइस वो बोलती है, उसकी मम्मी बोलते हैं उसके पापा, परमैन आप क्यों बोल रहे हैं? तभी वो बोलते हैं पापा आपका मित्सो ही बेटा ही परमैन था, और सुमेरे के मम्मी सुमेरे के पापा आपका सुमेरे ही पाको थी, तभी मैं बोल रहा हूँ। तब दोनों को शॉक्ड हो जाते हैं वो सब सुन के, चारों फैमिली मतलब एक तरह दो फैमिली, तो सब पता चल चुका है गाइस। उसके बाद गाइस वो बुढ़िया आंटी बोलती हैं कि वो बोलती है कि अब होगा, अब टाइम आ चुका है, अब टाइम आ चुका है, ये दोनों का प्यार अमर है, ये दोनों का प्यार जब जब ये मरेंगे तब तब वो वापस से जन्म होगा, अब जन्म का समय आ चुका है इन सब का, इन दोनों का जन्म का समय आ चुका है। लेकिन ये मुश्किल होगा अगर इन दोनों का प्यार, इन दोनों का वापस से जन्म होगा, हाँ वापस से इन दोनों का बहुत ही जन्म होगा किसी और के पेट में, किसी और के बच्चे, किसी और के मम्मी पापा, इन लोग के कोई और मम्मी पापा रहेंगे, कब होगा ये नहीं बता सकते, 50 साल बाद हो, एक नया जन्म बच्चे से लेकर वापस से बड़े तक, ऐसे भी 11 साल के थे उम्र उनका, तो बच्चे से लेके वापस से हो 0 एज से लेके अब वापस से, तो गाइस वापस से जन्म हो अब आएगा, जन्म की देरी नहीं रही, जन्म तो जन्म ही होता है, तो वो तो आएगा और ये देखना होगा ये दोनों जन्म में भी मिल पाएंगे क्या नहीं मिल पाएंगे। और वो जो इन दोनों को मारा है उसको उसको सज़ा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये देखना होगा। उससे पहले वो बुढ़िया आंटी ये गाइस ये भी बोलती है कि आपको आगे देखने के लिए इस चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, और इस चैनल को होगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना होगा, और इसका तभी इसका आगे का पार्ट आएगा जब इस पार्ट में सपोर्ट मिलेगा। आपको सपोर्ट करने के लिए कुछ स्टेप आपको फॉलो करना होगा, सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप आपको वीडियो में एक कमेंट करना होगा, कमेंट गाइस आपको मैं एक तरीके से एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है कि ये कि आपको कुछ इसके कमेंट सेक्शन में आपको ये बोलना होगा कि गाइस, हाँ गाइस आपको ये बोलना होगा इस कमेंट सेक्शन में कि गाइस मैं कैसा लगता हूँ, मतलब सबका एनोटून की वीडियोस आपको, मतलब मेरी वीडियोस कैसी लगती है गाइस आपको, और क्या मतलब कौन सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है ये भी बता सकते हो, और कैसी चीज़ मतलब आपको, मतलब मेरी खास बात क्या लगती है आपको, मेरी फेवरेट सीरीज़ मतलब एक तरीके से मेरे बारे में बताओ यार मैं कैसा हूँ, मतलब मेरा कॉन्टेंट कैसा है, मतलब कैसा है गाइस, तो बताओ भाई आपको अब जानना है यार, तो ये देखते हैं और देखते हैं किसका मतलब, सब तो बेस्टी कमेंट करने वाले हैं लेकिन मैं भाई हर का रिप्लाई देने वाला, और ऐसे कि आपका कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिव देता है मुझे आगे वीडियोस बनाने का, और तो यार आपको कर देना कमेंट और लाइक करना और वीडियो और चैनल को सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना, और मिस्टर परमैन स्क्वाड को बहुत सारा सपोर्ट देना यार, मिस्टर परमैन स्क्वाड बहुत ही कमाल के यूट्यूबर है यार भाई, तो यार मतलब सपोर्ट देना और स्टे होम स्टे सेफ, अस्सलामुअलैकुम।